अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइजर। और हमारे पास एक बड़े खुश नसीब इंसान मौजूद है, आसिफ भाई। इनको आपने पहले भी मेरी वीडियोस में देखा होगा, और डिफरेंट कंट्रीज का इन्होंने ट्रैवल किया हुआ है, डिफरेंट जगहों पे आते जाते रहते थे, लेकिन वो भी जहाँ जहाँ इन्होंने ट्रैवल किया है हम इनके बिल्कुल साथ रहे हैं वीजा प्रोसेस में। लेकिन अब आगे जो है वो हम इनके साथ ट्रैवलिंग में भी रहेंगे, क्योंकि इनका कनाडा का वीजा ग्रांट हो गया है। ये कनाडा का इनका 10 साल का वीजा मल्टीपल एंट्री जो है वो ग्रांट हुआ है। और ये कैसे ग्रांट हुआ, किस तरह से हुआ, इनकी जर्नी क्या थी, बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद है इनकी जर्नी जो है वो जानना, कि ये मेरे पास आए कब थे, किस तरह से इन्होंने हमें सर्च किया, और हमने इनके कौन कौन से वीजा जो है वो प्रोसेस करवाए, और आखिरकार जो इनकी ड्रीम डेस्टिनेशन थी कनाडा, ये वहां तक कैसे पहुंच गए। आसिफ भाई कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आसिफ भाई, ये कनाडा का वीजा तो लगा फ्रेश पासपोर्ट पे। जी फ्रेश पासपोर्ट, लेकिन उससे पहले जो ये वाला पासपोर्ट है, ये बताओ इसको कैसे हमने रिन्यू किया था, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। जी अच्छा, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपने मुझे कहां से ढूंढा था? मैंने आपको फेसबुक पे आपने देखा था, नेट पे देखा। और ये कितना अर्सा पहले की बात है? तकरीबन 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए, ठीक है। तो जब आप जो है मेरे पास फर्स्ट टाइम आए थे, तो जाहिर बात है बंदे का पहला इंटरेक्शन होता है, तो तभी बंदे को थोड़ा सा आइडिया होता है कि इनके पास काम करवाना है, बैठना है या बैठना भी नहीं है। तो आपको पहली इंटरेक्शन में क्या लगा था? असल में मैंने आपके पास आया तो आपने बोला कि आपका ये वीजा नहीं लग सकता, मैं आपके पास आया था शेंगेन वीजा के लिए। शेंगेन वीजा, तो आपने कहा भाई आपका वीजा नहीं लगेगा, लेकिन जो दूसरे कंसल्टेंट है उनके पास मैं गया, उन सबने कहा आपका लग जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। मैंने कहा ये बंदा ठीक लग रहा है, यार ये बंदा कह रहा है कि नहीं लगेगा, तो ये बंदा ठीक है, ये कैसे लगेगा इससे ये पूछते हैं। फिर मैंने आपसे शुरू किया कि अब लगेगा कैसे, तो आपने मुझे स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो थाईलैंड मलेशिया सिंगापुर से होते हुए फिर आने में जापान, उसके बाद शेंजन, फिर मोरक्को है, उसके बाद यूके, फिर अमेरिका और फिर कनाडा, ये सूरत हाल। लेकिन जो बिगनिंग है ना वो हमने की थी सबसे पहले, जो हमने शुरू किया था वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री आपने बनाई थी, थाईलैंड वगैरह आप गए थे, मलेशिया गए थे। जो पहला अच्छा बड़ा वीजा जो है वो हमने अप्लाई किया था, वो किया था जापान का। तो जापान का जो वीजा अप्लाई किया था, तो क्या उम्मीद थी आपको? मुझे था 50-50। अच्छा, चांस था कि लगे ना लगे, क्योंकि जब मैं वहां पे गया था जमा करने केस, तो वहां बड़े रिफ्यूज हो रहे थे वीजा, मेरे ख्याल से 60 बंदों में से सिर्फ 3 बंदों का लगा था वीजा जापान का। अच्छा, जब मैं वहां पे गया था, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा लगेगा, क्योंकि हर बंदे को रिफ्यूज करके वापस भेजे जा रहे थे, मैं क्या मुश्किल है। अच्छा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, जब पासपोर्ट देखा मैंने, वीजा लगा हुआ है, तो मैं कमाल हो गई। तो आपने जो है वो जापान का वीजा लगा, आपने जापान का ट्रैवल कर लिया था? जी ट्रैवल कर लिया था। उसके बाद अगला वीजा हमने आपका कौन सा अप्लाई किया था? नहीं ट्रैवल नहीं किया था, जापान का ट्रैवल नहीं किया था पहले, वो कोरोना की वजह से कोरोना आ गया था। बिल्कुल ऐसे ही था। उसके बाद जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, नहीं बल्कि हमने आपका कोरोना से पहले नेदरलैंड्स का वीजा अप्लाई कर दिया था, और जो कि आपका वो भी आखिरी मोमेंट पे जाके अप्लाई किया था। मैंने भी ट्रैवल नहीं किया था जापान का, आपने कहा था स्टेटमेंट बनी हुई है आपकी, तो आप जो है वो नेदरलैंड अप्लाई कर लो, तो वो मैंने फिर नेदरलैंड अप्लाई किया था साथ ही उसके उसी स्टेटमेंट पे। अच्छा, उसी स्टेटमेंट पे किया था। अच्छा, तो उसके बाद नेदरलैंड्स आपने ट्रैवल कर लिया था? नहीं नेदरलैंड भी नहीं गया, कोरोना की वजह से वो भी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, दोनों मैंने टिकट्स ली थी, फ्लाइट मेरी दोनों कैंसिल हो गई। तो ये होता नसीब का सफर, ऐसे नसीब। उस टाइम आपके नसीब में नहीं था, आपका जापान वीजा लगा आप नहीं जा सके, आपका शेंजन वीजा लगा नेदरलैंड्स का आप नहीं जा सके। उसके बाद जैसे ही कोविड खत्म हुआ, तो सबसे पहले शेंजन में पहली कंट्री थी स्पेन, जिसने अपने वीजा देना शुरू किया। सबसे पहला वीजा जो था अली भाई मेरा लगा था, सबसे पहला वीजा जो पाकिस्तान में सबसे पहला वीजा स्पेन का मेरा लगा था। जिस दिन अपॉइंटमेंट ओपन हुई थी ना, मुझे आज भी याद है, स्पेन की अपॉइंटमेंट ओपन हुई थी, और लोग ये सोच रहे थे कि नहीं अभी भी कोविड चल रहा है, पता नहीं अपॉइंटमेंट पे केस सबमिट होता भी है कि नहीं होता है। तो मैंने आसिफ भाई को फोन किया, मैंने कहा आसिफ भाई स्पेन के वीजा अप्लाई होने लग गए या अपॉइंटमेंट मिल रही है, ले लूं आपकी अपॉइंटमेंट? तो आपने मुझे बोला अली भाई ले लें, जैसे आपका दिल करता है आप कर लें, मैं जो है वो रेडी हूँ। तो सबसे पहली अपॉइंटमेंट आपकी कोविड के बाद मैंने जो है वो इसकी स्पेन की बुक की थी, और आपका वीजा आ भी जल्दी गया था। मेरा वीजा आया था 2 हफ्तों में, 2 हफ्तों में वीजा आ गया था स्पेन का, तब क्योंकि शुरू शुरू के केसेस थे, और 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपका जो है वो वीजा ग्रांट हो गया था। तो पहला अच्छा बड़ा ट्रैवल आपका स्पेन का हुआ था, और स्पेन जाके भी आपने मुझे एक वीडियो बना के, बिल्कुल बार्सिलोना में आप सग्रादा फैमिलिया के सामने घूम रहे थे, और आपने एक वीडियो मुझे बना के भेजी थी, वो पेज पे आपके होगी बिल्कुल, मेरे पास अभी भी सेव है।
अच्छा, उसके बाद फिर हमने आपका जो है वो दोबारा भी स्पेन का एक दफा वीजा किया, फिर आपने यूके का वीजा जो है वो लगवाया, आपने यूके का ट्रेवल किया, फिर आप अमेरिका गए, अमेरिका का वीजा भी आपका जो है वो लगा। और लेकिन जो सबसे मेन वीजा है जिसके बारे में आज हम बैठे हुए हैं वो कौन सा है? कनाडा। 10 साल का मल्टीपल, 10 साल का मल्टीपल, वो भी सिर्फ 45,000 में। सिर्फ 45,000 में? आसिफ भाई 45,000 रुपए में वीजा लग जाता है? देखिए लगा हुआ, देखिए 10 साल का लगा, दिखाएं जरा इनको, दिखाएं। 10 साल का वीजा अल्हम्दुलिल्लाह जी 45,000 रुपए में लगा मेरा। 10 साल का वीजा ये 2034 तक वैलिड है, 25 जुलाई 2024 को इशू हुआ है, 18 फरवरी 2034 तक जो है ना ये वीजा वैलिड है। और 10 साल का वीजा 45,000 रुपए में, इतना सस्ता वीजा तो यूके भी नहीं देता। 45,000 से कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। हाँ, तो यूके भी 10 साल के जो है ना वो 4.5 लाख रुपए ले लेते हैं। तो अच्छा, सबसे आपने मुझे बताया था जब आपने कनाडा अप्लाई करना है, पासपोर्ट नया बनाया, फिर मैंने पासपोर्ट नया बनाया, फिर कनाडा अप्लाई किया, तो आसिफ भाई इतने सारे जो वीजे लगवाए उनमें सबसे ज्यादा खुशी कौन से वीजे की हो रही है? कनाडा की। मेरे से भी कोई पूछता ना, अली भैया आपने इतने मुल्क ट्रैवल किए हैं, कभी कहीं जाते हैं कभी कहीं जाते हैं, आपने तो अमेरिका कनाडा को भी भाटी लोहारी बना के रखा हुआ है, तो आपका कौन सा वीजा लगने की आपको सबसे ज्यादा खुशी हुई थी? तो मैंने भी यही बताया थी, मुझे कनाडा वीजा लगने की खुशी हुई थी, क्योंकि आधा पाकिस्तान कनाडा जाना चाहता है, और कनाडा अगर आधा पाकिस्तान चला जाए तो कम से कम कनाडा आबाद। बड़ी बात यह कि सिर्फ मेरा वीजा जो है वो 7 दिन में आ गया था, वीजा 7 दिन में, 18 जुलाई को आपके बायोमेट्रिक हुए थे और 26 को आपकी अप्रूवल आ गई थी। और जब भी आपने पासपोर्ट सबमिट करवाया तो ये कितने दिन बाद रिसीव हुआ? ये 4 दिन बाद। 4 दिन बाद, 4 दिन बाद। ठीक है, तो एक और चीज जो देखने वाले हैं वो पूछते हैं कि जब अप्रूवल आ जाती है तो अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है या ऐसे जाके पासपोर्ट सबमिट कराना? अच्छा, कई लोग मेरे पास आते हैं, वो आके कहते हैं जी साडा डायरेक्ट ही कनाडा का करवा दे, हमने कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बनानी, हमने नहीं जाना कहीं घूमने फिरने, हमारे फलाने 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 का भी लगा था वीजा, उसका भी लग गया था, मेरे फलाने का भी वीजा लग गया था, लेकिन आप कह रहे हैं जी कि इस तरह से नहीं लग सकता। अरे भाई कभी वो फलाना बंदा आया भी आपके पास? मुझे मेरे पास आज तक वो फलाना बंदा नहीं आया जिसका लगा हो। हाँ, मैं भी आपके पास कनाडा के लिए आया था। हाँ, देखे ना बात की जाए कि 5 साल हो गया मुझे, मैं भी आपके पास कनाडा के लिए आया था, यार मैं कनाडा शेंगेन की बात है, मैं करा दे, लेकिन आपने कहा भाई ऐसे लगते नहीं है वीजे, वीजे आपके लगेंगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ऐसे वीजे नहीं लगेंगे आपके, जैसे आपने बताया अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ, और मुझे कभी मायूसी नहीं हुई किसी बात में भी, जो मैंने वीजा अप्लाई किया और जिस तरीके से फाइल आपने बना के दिया, मैंने वैसे ही जो है वो फाइल मैंने जाके दिया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वीजा लगा हुआ। ये देखिए आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, ये भी आ जाएगा वीडियो में, बैठे बिठाए जो है वो एक यूके का वीजा ग्रांट हुआ है, हमारे कस्टमर है मोहम्मद अदील भाई, उन्होंने अपना वीजा सेंड किया, और ये भी एक मेरे बड़े अच्छे इमरान भाई हैं, उनकी भी वीडियो हमारे पास चैनल पे मौजूद है, यूके का उनका भी लगा था वीजा, उनके दोस्त हैं मोहम्मद अदील, उन्होंने अपना वीजा शेयर किया जी, तो उनका भी वीजा लग गया, आपको मुबारक हो, हमने लाइव वीडियो में आपको जो है वो वीजा आपका जो है वो शेयर कर दिया, शेयर तो नहीं किया, बहरहाल आप आएंगे तो आपके साथ भी वीडियो बनाएंगे। अच्छा, वीजा जो डेफिनेटली लगता है आपको स्टेप बाय स्टेप लगता है, आपके पास अच्छे फाइनेंशियल होने जरूरी है, आपके पास अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होना जरूरी है, आपके पास सोशल टाइज होना जरूरी है, अगर आपकी ये सारी कमिटमेंट्स पूरी हैं तो आपको वीजा मिल जाएगा। मिलेगा, देखिए वो वीजा देने के लिए बैठे हुए हैं, वीजा देने के लिए बैठे हुए हैं, उन्होंने भी तो टूरिज्म चलाना है। हाँ, अब आप जब देखिए, आप जब किसी भी मुल्क में गए हैं, आपने जाके पैसे लगाए ना वहाँ पे, हर मुल्क में चाहे आप स्पेन गए हो, कम अज कम उनको 3-5 हजार यूरो का फायदा ही होगा ना, आपने फ्लाइट्स भी बुक की, आपने वहाँ होटल्स में भी जाके रहे, उधर जाके खाना पीना किया, पाकिस्तान से पैसे लेकर गए उधर जाके लगाए, तो कंट्रीज को वीजा देने में जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो उस बंदे को देना चाहते हैं जो वाकई जाके खर्च करना चाहते हैं, जेन्युइन बंदा होना चाहिए। एक और चीज जो कनाडा वीजा के हवाले से आजकल बड़ी फेमस है, आप लोगों को कहा जाता है आप आ जाए, आपको जो है वो हम बगैर बैंक स्टेटमेंट के करवा देंगे, काफी आजकल चल रहा है वो, पता है मोटा सा, मैं उसका नाम नहीं जानता, वो काफी उसमें वीजा लगवा रहा लोगों के, क्या टिकटॉक पे वो ऐसे ही लगा रहा है, टिकटॉक पे टिकटॉक पे लगा रहा है, जर्मनी लगा रहा है, काफी लग रहे हैं वीजा उसके,
अब ऐसे होता नहीं है भाई, मैं देखे मैं भी दुनिया में रहता हूँ, दुनिया घूमी है मेरा आज तक, मैंने किसी दोस्त का वीजा नहीं लगा, मेरे किसी जाने वाले का वीजा नहीं लगा, अप्लाई किया मैंने, लगते नहीं है वीजा भाई, वीजा ऐसे ही लगते हैं जैसे मैंने लगवाए हैं। और आप आए अली भाई के पास इंशाल्लाह, आपको कभी भी जो है ना वो मायूसी नहीं होगी और आपका वीजा इंशाल्लाह लगेगा। लेकिन जैसे ये कहते हैं वैसा करने पड़ेगा आपको, आपको जो है वो प्रॉपर चैनल चलना पड़ेगा, इंशाल्लाह आपका वीजा लग जाएगा। चले थोड़ी सी हम अपनी तारीफें भी करा लेते हैं, क्या ख्याल है? वो लोग अक्सर कमेंट भी करते हैं कि आपने तारीफें बड़ी कराई हैं अपनी। नहीं, तारीफों की बात नहीं होती अली भाई, देखें जो चीज है वो तो है, हम तारीफें क्या करनी है, हमने हम मैं बताते खुद जो है ना गाँव से बिलोंग करता था, कभी मैं कभी लाहौर भी कम कम ही आता था, लेकिन दुनिया घूम लिया, देखे ना अमेरिका, कनाडा, यूके, स्पेन वगैरह घूमाया, हमें तो पता नहीं था, आपने जो है घुमा दिया, अल्लाह का शुक्र है, आपकी मेहरबानी भी है। नहीं जी, ये आसिफ भाई थे, आसिफ भाई की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। लोग अगर इन्हीं की तरह जा सकते हैं दूसरे ममालिक में, देखिए एक चीज बड़ी इसमें क्लियर है कि ट्रैवल हिस्ट्री बनानी होती है तो पैसे लगते ही हैं, पैसे लगते हैं, ठीक है ना। आपको ये चीज खुद सोचनी पड़ेगी कि अगर आप सोच ये कह रहे हैं ना कि नहीं हम बस डायरेक्ट उसका कर लें, तो अगर आप वसाइल रखते हैं तो आप जरूर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना शुरू करें। मेन कंट्री करें ना आप, ज्यादा ना करें जापान करें, सबसे पहले जापान करें, साउथ अफ्रीका करें, आप ना जाए उस तरफ मलेशिया और थाईलैंड, ना जाए साउथ अफ्रीका करें, उसके बाद ये शेंगेन करें, उसके बाद करें, अपनी स्टेटमेंट अच्छी बनाए, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे देखें, वीजे लगते हैं भाई, वीजे लगते हैं, आपके सामने मिसाल बैठी हुई है, वीजे लगते हैं इंशाल्लाह। वैसे आपकी और मेरी जो स्टोरी है ना वो भी तकरीबन सेम मिलती जुलती है, मिलती जुलती है कि मैं भी उन कंट्रीज में जाके एंड पे आके मैंने कनाडा वीजा लिया था, आखिरी वीजा मेरा भी अमेरिका का ही लगा था और आपका भी अमेरिका का लगा था, उससे पहले यूके वीजा लगा था, उससे पहले शेंजन, उससे पहले अपना जापान, तो ये सारे हम हमारे पैरेलल ही चलते रहे हैं, तो इस तरीके से ये सारे और स्टेप बाय स्टेप चले हैं, तो आज हम मकाम पे पहुंच गए हैं किसी ना किसी जगह पे। तो तमाम वीजे रहते हैं भाई, वो भी अपने लगवाने हैं मेरे, अच्छा वो भी इंशाल्लाह लगवाने हैं, वहां भी जाना, वहां भी जाना। आप ये करें, आप मेहरबानी भी किया करें, आप मैं आपके साथ बता रहा हूं, कोई भी जाए, हाँ इनकी तरह जाए, मेरी तरह जाए, घूमे फिरे, वापस आए, मुल्क का नाम भी रोशन करें, वीजा मिलेंगे आपको, वीजा अप्लाई करने का तरीका होना चाहिए, और बताया हम देखे ना, बताया उनको कि हम वापस आएंगे, जनरल ट्रैवलर है तो वीजा मिलेगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आप तमाम लोगों के लिए, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।